हेलो एवरीवन, इट्स ज्योति एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, अगर आप माँ लक्ष्मी जी को ड्रॉ करने जा रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक और स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखाने वाली हूँ कैसे हम लोग आउटलाइन ड्राइंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्टली। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। एंड ये पार्ट वन है गाइस, तो इसमें मैं आपको ओनली आउटलाइन ड्राइंग कैसे करना है माँ लक्ष्मी जी का सिखाने वाली हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कलर करना भी सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल सस्ता कलर से। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी से ही विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप वीडियो को देख सको। एंड यहाँ मैं लाइक टारगेट रखी हूँ 300 लाइक, जिसको आप कंप्लीट कर दोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। एंड हो सके तो वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग माँ लक्ष्मी जी को ड्रॉ करना सीख सके। तो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। सो गाइस, यहाँ मैं ग्रीड मिरर से आउटलाइन ड्रॉइंग करने वाली हूँ माता लक्ष्मी जी का। तो यहाँ मैं ग्रीड ऐप ओपन कर ली, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। न्यू पे टैप करके अपना रेफरेंस इमेज हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, आपको कैनवस पे जाना है एंड जिस भी साइज पे आप आउटलाइन ड्रॉइंग करने वाले हो, यानी A4, A3 किसी भी साइज पे आप ड्राइंग करने वाले हो, सिंपली आपको यहाँ पे कैनवस पे जाके सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं A3 साइज पे आउटलाइन ड्राइंग करने वाली हूँ, तो यहाँ मैं A3 साइज सिलेक्ट कर ली हूँ। आप जो भी साइज पे वर्क करोगे सिंपली आपको वो साइज सिलेक्ट यहाँ पे करना होता है। यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर ही रहेगा, बस आपका जो भी पेपर साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कैनवस का साइज सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर अगर आप A4 पे वर्क कर रहे हो तो सिंपली आप A4 पे टैप कर लेना, या फिर आपको अपना साइज नहीं पता है पेपर का तो यहाँ पे कस्टम का भी ऑप्शन है। अभी जो ये हमारा रेफरेंस है इसको हम क्रॉप कर लेंगे, जितना भी एरिया आप बनाने वाले हो आउटलाइन ड्राइंग करने वाले हो सिंपली आप उतना ये क्रॉप कर लेना। तो इस तरीके से मैं क्रॉप कर ली। अभी ये ग्रिड वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड सिंपली यहाँ पे ये जो बॉक्स साइज का ऑप्शन है इस पर आप 5x5 को हटाकर 2x2 कर लेना, यानी कि बॉक्स साइज हम यहाँ पे करने वाले हैं 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा जो ग्रिड बन गया है वो 2 सेंटीमीटर का साइज में बन चुका है। अभी इस पर हम और चीज करेंगे, लेवल नंबर ऐड कर देंगे। तो नीचे की तरफ आपको कैपिटल ए स्मॉल ए का जो दिख रहा है ना, उसमें सिंपली आप टैप करोगे तो लेबल नंबर ऐड हो जाएगा। बाकी यहाँ पे साइज छोटा करने का ऑप्शन है, लाइन का कलर चेंज करने का ऑप्शन है, तो ये सब आप खुद के अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए एडजस्ट कर लेना। तो इस तरीके से हमारा ग्रिड कंप्लीट हो गया है, बन चुका है हमारा रेफरेंस के ऊपर। उसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड होने के बाद ये गैलरी में आ जाएगा। अभी जो मैं ये ग्रिड क्रिएट कर रही हूँ रेफरेंस के ऊपर, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं शेयर कर दी हूँ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सारा कुछ आपको लिंक वहाँ मिल जाएगा, पेपर पेंसिल एवरीथिंग जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे अभी हम लोग रेफरेंस के ऊपर ग्रिड क्रिएट कर रहे हैं, सेम तरीके से अपने ड्राइंग शीट पे भी कर लेंगे। तो यहाँ मैं ड्राइंग शीट निकाल ली हूँ जो कि ब्रूस्ट्रो का है, A3 साइज का मैं ली हूँ, 200 GSM का ये पेपर है। एंड A3 साइज मतलब डबल साइज है A4 का, तो काफ़ी बड़ा साइज का मैं पेपर ली हूँ क्योंकि जो रेफरेंस है वो पूरा फुल बॉडी वाला है, तो इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बन पाएगा। काफ़ी अच्छा पेपर है, इसको आप परचेस कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप कोई भी पेपर यूज़ कर लेना, मीडियम सर्फेस वाला। अभी हम सिंपली स्केल की हेल्प से पेपर के चारों ही साइड पे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्क करना स्टार्ट कर देंगे, लाइक 2, 4, 6, 8 ऐसे करते हुए आपको मार्क कर लेना है। एंड ऐसा चारों ही साइड पे करना है, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमने बॉक्स साइज रखा था 2 सेंटीमीटर, इसलिए हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्क कर रहे हैं। अगर आप मेरी तरह ही A3 साइज पे वर्क कर रहे हो तब तो आप मेरी तरह ही करना, लेकिन अगर आप A4 साइज पे वर्क करने वाले हो तो आपको यहाँ पे बॉक्स साइज रखना होगा 1 सेंटीमीटर, तभी आप अच्छे से आउटलाइन ड्रॉइंग कर पाओगे, क्योंकि जो रेफरेंस है वो डिटेल में है एंड अच्छे से कवर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए आपको बॉक्स साइज रखना है 1 सेंटीमीटर, तो आपको मार्क भी करना होगा 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इससे आप काफ़ी इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सिंपली मार्किंग हो जाने के बाद मैच करना स्टार्ट कर दी, अपको डाउन से, लेफ्ट को राइट से। यहाँ पे आपको अच्छे से मैच करना है, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक होगा तो आपका ग्रेड भी गलत ही बनेगा एंड ऐसे में आपका आउटलाइन भी गलत ही बनेगा, तो ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमारा ग्रिड कंप्लीट हो गया है। अभी आप जो रेफरेंस वाला ग्रिड हम लोग क्रिएट कर रहे थे उसमें आप देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको नंबर मेंशन हुआ दिखेगा 15 तक और नीचे की तरफ 21 तक, यानी कि ऊपर की तरफ 15 ग्रिड है, तो हम लोग भी इस तरीके से लिख देंगे और नीचे की तरफ 21 ग्रिड है, चलिए यहाँ पे 21 तक इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये होता है लेवल नंबर एंड ये हमें हेल्प करता है एक्यूरेट आउटलाइन ड्राइंग करने में। जैसा कि यहाँ मैं आउटलाइन ड्राइंग स्टार्ट करने वाली हूँ फोरहेड वाले पार्ट से, तो वो वाले ग्रिड को हम ध्यान से देखेंगे रेफरेंस ग्रिड पे। एंड वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो फोरहेड वाला ग्रिड ऊपर की तरफ से 7 पे है और नीचे की तरफ 4 पे है, यानी कि उसका पोजिशन 7,
4 है, तो इसी तरीके से अपने ड्राइंग शीट में भी फाइंड आउट करना है कि 7-4 कहाँ है, एंड जहाँ पे भी आपको मिल जाएगा सिंपली वहीं पे वो फोल्डेड वाला पार्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी परफेक्टली कर सकते हो आउटलाइन ड्राइंग। तो अभी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ गाइस आपको बहुत ही लाइटली आउटलाइन ड्राइंग करना होगा, एंड यहाँ पर पहले ट्राई करना कि आप बाहर का आउटलाइन पहले करो, यानी कि आउटर आउटलाइन पहले कर लो, एंड जब आपको लगे कि ये करेक्ट बना है देन आप अंदर का पार्ट करो। जैसे कि यहाँ मैं पहले जो फेस का शेप है वो पहले मैं बनाई, देन मुझे लगा कि सही बना है, देन मैं अंदर का जो फेशियल पार्ट है लाइक आईज नोज ये सब बनाना स्टार्ट करी। तो इस तरीके से आप करोगे तो मिस्टेक होने का चांस थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि दोनों आईज आप सिमिलर बनाओ, तो हल्का लाइटली ही बनाना क्योंकि मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको कुछ करना है, एंड यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हो, पहले आप एक ग्रिड में कंप्लीट कर लेना देन दूसरे ग्रिड में जाना, इससे भी आप काफ़ी इजीली बना पाओगे। तो इसी तरीके से आपको ऑब्जर्व करते हुए अपना आउटलाइन ड्राइंग कंप्लीट कर लेना है। एंड अगेन आपको अगर लग रहा है कि आप 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड में काम नहीं कर पा रहे हो तो अपना बॉक्स साइज आप कम कर सकते हो, लाइक 1 पे भी कर सकते हो, उससे आपको आसानी होगा और आउटलाइन ड्राइंग करने में। तो ये सब अपने अकॉर्डिंग आपको करना होगा जब आप रेफरेंस के ऊपर ग्रिड क्रिएट करोगे ग्रिड ऐप से, तो सब कुछ आपको खुद ही करना होगा, उस टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से माँ लक्ष्मी जी का हमने फेस पार्ट कर लिया, मुकुट पार्ट हो गया, अब धीरे धीरे हम सारा कुछ कंप्लीट करते जाएंगे। और मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना था, अभी नेक्स्ट बैच मेरा ऑनलाइन क्लास का जल्दी स्टार्ट होने वाला है नवंबर मंथ में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और सीखना चाहते हो मेरे से ड्राइंग बेसिक से एडवांस तक, तो आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन क्लास। नीचे मैं नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, डिटेल्स ले सकते हो लाइक फ़ी क्या रहेगा, सारा कुछ अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैसेज कर लेना, एंड मैं काफ़ी सारे मीडियम में सिखाती हूँ लाइक कलर पेंसिल, ऑयल पेस्टल, वाटर कलर्स, स्क्रबल आर्ट, काफ़ी कुछ। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जब आप ग्रेड मिनट से आउटलाइन ड्राइंग करते हो तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, एंड जितना आप अच्छा करोगे उतना अच्छा आपका आउटलाइन ड्राइंग बनता है। तो अच्छे से खुद से ऑब्जर्व करना एंड बनाने का ट्राई करना, बाकी कुछ बताने जैसा है नहीं। तो वीडियो पूरा देखो लास्ट तक, एंड एक बार आप पूरा फुल वीडियो देख लो देन आप स्लो करके देखना, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा किस तरीके से मैं बना रही हूँ। एंड सारा कुछ मैं लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द अपलोड करूंगी जिसमें कि मैं वो कलर करना सिखाने वाली हूँ बिल्कुल सस्ता कलर से। तो स्टे कनेक्टेड, चैनल सब्सक्राइब कर लो विद नोटिफिकेशन बेल, एंड मैं मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।